हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट एंड फूड गैलरी और मैं हूँ रिया। दोस्तों, आज मैं पत्ता गोभी के पकोड़े बनाकर दिखाऊंगी जो बहुत क्रंची और इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पत्ता गोभी के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप पत्ता गोभी। उसके बाद 1 कप चने का बेसन, उसके बाद 1/2 कप चावल का आटा। ये देने से ये क्रंची बनता है। उसके बाद थोड़ा सा मैदा, उसके बाद 2 टेबलस्पून धनिया जीरा का पाउडर, उसके बाद हल्दी अपनी स्वाद अनुसार, उसके बाद काली जीरा, उसके बाद चॉप किया हुआ ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च। अब स्वाद अनुसार नमक डालिए और ये सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और पकोड़े का बैटर तैयार कर लीजिए। दोस्तों, इसमें पत्ता गोभी ज़्यादा होना चाहिए तभी ये टेस्टी बनेगा। और दोस्तों, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसे तैयार कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कीजिए और एक कढ़ाई लगा लीजिए और उसे भी गर्म होने दीजिए। उसके बाद उसमें डालिए रिफाइंड ऑयल और तेल को भी गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। तेल गर्म हो जाने के बाद एक एक करके पकोड़े को छोड़ दीजिए और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। दोस्तों, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे कढ़ाई से निकाल रही हूँ। दोस्तों, ये चाय का बहुत अच्छा पार्टनर है और नाश्ते में भी आप इसे ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो दोस्तों, इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं बाकी को भी इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो हमारा सारे पकोड़े बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारा यम्मी क्रंची गोभी के पकोड़े बिल्कुल तैयार है। ये घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।